ये सनु जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम लगातार 10,000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी दे रहा है और ग्वार सीड की कीमतों में भी आज 5800 के ऊपर का लेवल देखने को मिल चुका है। अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से ग्वार में लगातार एक सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल रही है, तो क्या आने वाले कारोबारी सप्ताह में ग्वार कॉम्प्लेक्स 11,000 के भी लेवल दिखा पाएगा? देखिए, ग्वार में जो फंडामेंटल है वो अभी थोड़े सपोर्टिव हैं, हालांकि हम थोड़ा बहुत यहाँ पर नरमी आते हुए देख रहे हैं, बट मुझे लगता है कि ग्वार के भावों में यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल जो है वो मार्केट का काफी सपोर्टिव है जी। जिस तरीके से हमने बारिश आते हुए देखी है राजस्थान में, वो काफी हद तक एक पॉजिटिव लेकर आया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी फिलहाल ग्वार के भावों में थोड़ा वेट एंड वॉच करें, भाव अगर नीचे टिप ले तो खरीदारी कर सकते हैं, नीचे अगर भाव ग्वार के 5700 के आसपास मिले तो खरीदारी कर सकते हैं, गम के अंदर भी नीचे 9800 के आसपास के लेवल्स मिले खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि ग्वार चिट में आने वाले समय में 6000 और ग्वार गम में करीबन 10500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, तो फंडामेंटली अच्छे सपोर्टिव है। हमें लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रहना चाहिए जी।